एक बार फिर से मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आइए देखते हैं नियोजित शिक्षकों के लिए खबर। शिक्षकों के लिए आकस्मिक अवकाश लेने के नियमों में शिक्षा विभाग ने किया बड़ा बदलाव। आकस्मिक अवकाश लेने वाले शिक्षकों को विभाग के इन नियमों का करना होगा पालन, अन्यथा की स्थिति में होगी विभागीय कार्रवाई। विभाग ने आकस्मिक अवकाश के नियमों में किया बदलाव। क्या किया है बदलाव जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑल से दबा दे, नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि शिक्षा विभाग से संबंधित कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। आइए देखते हैं वीडियो को विस्तार से। शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने शिक्षकों के लिए एक और आदेश जारी किया है। नए आदेश में शिक्षकों के आकस्मिक अवकाश के विषय में आदेश जारी किया गया है कि आकस्मिक अवकाश के संबंध में कहा गया है कि शिक्षकों को आकस्मिक अवकाश लेने के लिए 2 दिन पूर्व ही अपने प्रधान से आवेदन स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा। जिस प्रारंभिक विद्यालय में 1 से 5 शिक्षक कार्यरत हैं उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक मात्र 1 शिक्षक को ही आकस्मिक अवकाश में रहने की अनुमति प्रदान करेंगे अथवा स्वीकृत करेंगे। जिस विद्यालय में 5 से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक को मात्र 2 शिक्षक को ही आकस्मिक अवकाश में रहने की अनुमति दे सकते हैं। विशेष परिस्थिति में 2 से अधिक शिक्षकों को आकस्मिक अवकाश देने के लिए प्रधानाध्यापक को अपने नियंत्रित पदाधिकारी या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान पाए जाने पर ऐसे स्थिति में शिक्षकों को बिना सूचना अनुपस्थित मानकर विभागीय कार्रवाई की जाए। शिक्षा विभाग के इस आदेश के अनुसार राज्य के सभी डीओ डीपीओ ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दिया आदेश जारी कर दिया है। वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।